धर्मशाला की एक ऑफबीट लोकेशन जो कि है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली से कुछ 470 किलोमीटर दूर। मैं बात कर रही हूँ बर्ड हाउस रिट्रीट की। धर्म कोट से कुछ 15 मिनट दूर और आप पहुँच जाते हैं बेहद ही खूबसूरत लोकेशन पर। वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज साक्षी दंजल और मैं हूँ इस वक्त मकलोडगंज में, नहीं धर्मशाला में। मकलोड यहाँ से थोड़ा सा ही दूर करता है और ये जगह बहुत ऑफ बीट प्लेसेस में से एक है। एंड ये शूट मैं कर रही हूँ इतना लेट जस्ट बिकॉज मैं पूरे रात ड्राइव करा एंड उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद कुछ 6 घंटे की नींद ली एंड आई जस्ट फाइंड आउट मुझे कुछ हो रखा है। एंड आई डोंट नो, दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम, इट्स अ इन्फेक्शन जो कि अभी फेस पर ही फैला है। सो आई एम नॉट श्योर कि मैं इस प्लेस को कितना अच्छा एक्सप्लोर कर पाऊँगी। अगर ये बड़ा तो इट कैन बी अ डेंजरस। सो कल, आई मीन कल ऑब्वियसली मैं ये प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करूँगी एंड दिस प्लेस इज रियली वर्थ कमिंग, आई एम टेलिंग यू, विद अ गुड वाईफाई, विद अ गुड सराउंडिंग्स, विद ग्रेट रूम्स एंड ऑब्वियसली होम मेड फूड। सो स्टार्ट करते हैं न्यू व्लॉग के साथ और एक नई जगह के साथ। आई एम पर्सनली टेलिंग यू, आई डोंट थिंक सो इस बार मैं पूरी जगह एक्सप्लोर कर पाऊँगी, बट जितना भी एक्सप्लोर करूँगी और ये एरिया दिखाऊँगी, इट विल बी एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल। सो मैंने खाने में ऑर्डर करी है दाल, जस्ट बिकॉज यहाँ पर होम मेड फूड मिलता है एंड दिस इज़ राइट नाउ, अभी टाइम हो रहा है कुछ 8 बजने वाले हैं एंड आई वॉज प्रिटी हंग्री एंड उसके साथ कुकू इज विद मी एंड वो कहीं नीचे घुसी हुई बैठ के, हेलो कुकू 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 नहीं। सो प्रॉपर्टी पूरी फुल है एंड इट्स रेनिंग आउटसाइड हैविली एंड मेरी गाड़ी कुछ उस तरफ पार्क है सामने पार्किंग में एंड बारिश बहुत ही तेज है। आई डोंट वॉन्ट टू स्लिप, मैंने स्नो बूट्स नहीं पहने, आई मीन वो पहने हुए हैं स्पोर्ट्स बूट। I don't wanna sleep. Let's do it. So, आज का कुछ व्यू ये है रेनफॉल की वजह से और अभी दिल्ली में भी आई गेस रेनफॉल हो रही है। तो ये है सारा मार्केट एरिया और ये यहाँ की मार्केट एरिया है एंड मतलब ये वही मार्केट है जो बहुत फेमस होते हैं, लोग यहाँ पैदल पैदल घूमते हैं और हम लोग गाड़ी लेके घूम रहे हैं मस्त तरीके से। तो अगर आप स्ट्रीट शॉपिंग के फ़ैन हो तो ये प्लेस मेरे स्टे से जहाँ मैं रुकी हूँ बर्ड हाउस रिट्रीट के साथ हार्डली 15 से 20 मिनट्स अवे है, तो यू कैन एक्चुअली टेक मतलब वॉक। और आज तो बारिश है, नो वॉकिंग फॉर द डे, पर यहाँ बहुत खूबसूरत ट्रैक निकलते हैं, मैंने बहुत सारे फॉरनर्स देखे हैं जो यहाँ ट्रैक के लिए आते हैं स्पेशली। तुम्हारी रमन ढिंगरा। सो फाइनली कहीं बाहर, डॉक्टर ने तो मुझे बोल दिया है साक्षी यू गोना गेट अ वीक, आई मीन यू आर गोइंग टू बी वीक। मुझे पैरासीट्रामोल दवाइयाँ पता नहीं क्या क्या लिख के दे दिया, बट मैं ढक के थोड़ा सा सोचा मैं आसपास घूम लूँ, नॉट मच। सो दैट्स अ रॉप वे मेरे लेफ्ट साइड पर एंड आई एम गोना एक्सप्लोर अ लिटिल बिट सिर्फ मैं किसी को दिखाती कोई और बीमार पड़े मेरे साथ साथ। एंड दिस इज एक्चुअली वन वे, यहाँ से गाने सिर्फ नीचे आ सकती हैं, ऊपर नहीं जा सकती। सो द टिकट विल कॉस्ट यू अराउंड पर्सनल, मतलब लो लोगों की टिकट थी मेरी, सो 1238 की बड़ी, इसका मतलब पर पर्सन 600 समथिंग मेयर की टिकट पड़ेगी और GST लगेगा 650। दिस लुक्स एक्चुअली वाओ गाइस, मतलब मैं रॉपवे में बैठी हूँ, यू मस्ट हैव दिस एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू दिस इज मोर लाइक फ्लाइंग अ ड्रोन व्हाइल सिटिंग ऑन द ड्रोन एक्चुअली। होप यू अंडरस्टूड, hope you guys understood what I'm trying to say, flying a drone while sitting on a drone. So I picked up the slice of cake जहाँ पर रोपवे एंड होता है ये वहीं पर था एंड इट वॉज अमेजिंग। हम डॉन तक वापस पहुँच गए क्योंकि मेरी अभी भी तबीयत ठीक नहीं थी। ओ आई जस्ट गॉट बैक एंड कुकू इज स्टिल हेयर, ये यहीं थी एंड यहीं मिली।
अभी वर आउट कुछ कुछ खाती ही नहीं है ये, जब तक घर वापस ना आ जाओ। राइट, चल कुकू आ जा, लेट्स हग यू, लेट्स हग यू। ये मेरा तीसरा दिन है एंड आई एम स्टिल अनवेल, सो वी प्लान टू मूव आउट फ्रॉम द प्लेस, क्योंकि मेरी वजह से किसी को चिकन पॉक्स ना हो। यस, आई एम सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स ड्यूरिंग एंटायर ट्रिप। फाइनली आई नीड सम शीतला माता मंदिर भी आने के पास, जहाँ पे कहते हैं इलाज है इसका जो मुझे हुआ है, इट्स कॉल्ड चिकन पॉक्स।